पफ राइस खा रही हो? फिर डोंट गो डोंट गो डोंट गो बेटा। पियो पी लो बेटा, पी लो बेटू। ए पियो, दांत कैसे आएगा तुम्हारा? कल के बाद आज मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली कल मैंने कुछ भी नहीं किया बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड। तो मैंने बस रात को डिनर बनाया और बर्तन वगैरह कुछ भी क्लीन नहीं किया। सारा किचन ऐसा ही गंदा था, पीयू इतना ज़्यादा फैलाती है सब कुछ। मैं क्लीन करके सोती हूँ। कल मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी रात को, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो सुबह उठ के मैं फटाफट से सब कुछ क्लीन किया और उसके चक्कर में एक कांड भी हो गया। एक्चुअली आज सुबह ही मेरा बिग बास्केट वाला डिलीवरी आने वाला था, 7:30 को आया और मेरा फ़ोन साइलेंट पे था। करीब बेचारे ने 4 से 5 बार कॉल किया बट फ़ोन साइलेंट में था और मैं सो रही थी और मुझे पता ही नहीं चला और वो डिलीवरी कैंसिल हो गया। तो कैंसिल तो नहीं, रात को 7 से 10 बजे के बीच में वो डिलीवर करेगा। और मेरे घर में कुछ सब्जियां वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो अब तो मुझे बिना सब्जी के कुछ सब्जी बनानी पड़ेगी, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और पीयू सो रही है, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। आई एम गोइंग टू मेक लंच। तो मैं जनरली लंच वगैरह सब बना के ही आती हूँ बिकॉज उसके बाद पीयू को नहला के फिर उसके कपड़े वगैरह धोने होते हैं, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है सब कंप्लीट कर लो उसके बाद आराम से नहाओ। तो वैसे भी आज बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम है ना, तो ठंडी ठंडी हो रही है। आई डोंट थिंक आज मैं पियो को नहलाऊंगी बिकॉज थोड़ी सी ठंडी है, बस स्पॉन्ज बार दे दूंगी मैं उसको। और चलो तो फिर डिनर लंच बनाते हैं और मैं आपको भी बताती हूँ बिकॉज बहुत बार होता है हमारे घर में कुछ सब्जियाँ वे नहीं होती हैं, तो फिर क्या ही सब्जी बनाए सोचते रहो। तो आज वो रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने किसकी सब्जी बनाई है। तो चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया है। अब इसमें मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी। अब इसे बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। अब ये जब बॉयल हो जाएगा पानी, तब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड किया है। अब इसमें हमें चावल का आटा ऐड करना है। तो एज यू कैन सी मैंने आधा कटोरी चावल का आटा लिया है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी सो दैट कि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं आए। तो कुछ इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप स्पैचुला से इसको नीचे करो तो ये गिरे नहीं। नाउ यहाँ मैंने लिया है आधा प्याज, एक छोटा सा टमाटर और एक छोटा सा मिर्ची का टुकड़ा। अब इसका मैं पेस्ट रेडी कर लूँगी। नाउ ये जो मिक्सचर है ये हम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तब इसका हम बॉल्स रेडी कर लेंगे। नाउ यहाँ मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब इसे मैं स्टीम करूँगी करीब 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ओके गाइस, तो यहाँ कढ़ाई में आई एम गोना ऐड कोकोनट ऑयल। तो आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल। एंड नाउ आई एम गोना ऐड जीरा। अब हमने जो मसाला रेडी किया था वो अब हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे करीब 4 से 5 मिनट तक पकाना है, लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। अभी हम बंद कर देंगे। ये देखो कुछ इस टाइप से रहेगा। अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं इसको शैलो फ्राई करने वाली हूँ। यहाँ कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल। ये जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये बॉल्स डालेंगे। बॉल्स एक्चुअली ऑलरेडी पक गया है बट जस्ट हमें इसके क्रिस्पी करना है, इसलिए मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारे बॉल्स इसमें डाल देंगे। एंड मैंने हाई फ्लेम रखा है। इसमें हम सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर एंड कोरिएंडर पाउडर।
सबको मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। और इसमें मैं अभी नमक भी ऐड कर दूंगी। याद रहे हमने बॉल्स में भी नमक डाला है, तो यहाँ नमक हम थोड़ा हिसाब से डालेंगे। स्टार्ट यूजिंग दिस काइंड ऑफ बॉटल्स बिकॉज इसके नोजल्स बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे आप बहुत ही कम तेल यूज़ करते हो बिकॉज धीरे धीरे गिरता है ना, आप सोचते हो कितना ही यूज़ करें यार, कितना ही डालें, तो बहुत ही कम यूज़ होता है। और ये मैंने लिया था होम सेंटर से, अगर इसका लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड ऑल्सो मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ गाइज। तो के जगह पे आप या तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर मस्टर्ड ऑयल आपको पसंद है तो वो यूज़ कर सकते हो। हमारे राइस बॉल्स भी फ्राई हो चुके हैं, अब देखते हैं हमारा मसाले का क्या हाल है। तो ये अभी करीब 4 से 5 मिनट और लगेगा इसको मसाला पकने में। हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक गया है, तो इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। पानी आप अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऐड करिएगा। अब इसे हम बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा कसूरी मेथी और गरम मसाला। नौ हमने ये जो बॉल्स बनाया है ये भी हम इसमें डाल देंगे और करीब 2 मिनट के लिए और पकने देंगे, और इसके बाद हमारा सब्जी रेडी हो जाएगा। गाइस सो जस्ट गॉट डन विद द लंच और लंच वाज टू यम्मी गाइस, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। डू ट्राई दैट रेसिपी और आपके घर में किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने राइस पाउडर से वो सब्जी बनाई है। एंड बहुत ही जूसी था, बहुत ही अच्छा था। और एक हमने जो सैलो फ्राई किया था उसके चलते थोड़ी सी क्रंचीनेस भी थी। एंड डू ट्राई दैट रेसिपी गाइस। और यहाँ है पीहू और पीहू ले रही है अभी स्क्रीन टाइम। एक्चुअली आपने कभी भी व्लॉग में नहीं देखा होगा कि मैंने उसको मैं बार बार बात करती हूँ बिकॉज कॉपीराइट आ सकता है। मैं आपको बता रही थी ना कि आपने कभी भी हमारे ब्लॉग में नहीं देखा होगा कि हम पीहू को स्क्रीन टाइम देते हैं, बहुत ही कम, रेयरली हम इसको स्क्रीन टाइम देते हैं। बहुत लोग तो अपने बच्चों को खाना खिलाते समय भी टीवी दिखाते हैं या फिर मोबाइल दिखाते हैं, बट वी रेयरली डू दैट। और आज वैसा वो दिन था कि आज चलो मैंने दे दिया उसको टीवी देखने के लिए कि थोड़ी देर देख लो। करीब 15 से 20 मिनट ऐसे ही देखती है, रोज़ नहीं देखती है वो, और उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब आपके पास भी काम हो और आपके हस्बैंड के भी पास काम हो तो, और बच्चे को कुछ चीज़ में इनकेस करना हो तो कभी थोड़े टाइम के लिए, तो वैसे में हम लोग कभी इसको लगा के दे देते हैं तो भी वो नहीं रहती है। उसके बगल में कोई ना कोई आदमी रहना ज़रूरी है, इधर मैं या फिर वैभव, तो ऐसे में ही देखती है, वैसे नहीं देखती है, ज़्यादा नहीं देखती है। तो दैट इज़ द गुड थिंग। एक्चुअली हमें भी इंटरेस्ट नहीं है टीवी देखने का, टीवी इज जस्ट एन इडियट बॉक्स। ओके तो हम लोग दोनों ही नहीं देखते, मैं भी नहीं देखती हूँ टीवी, वैभव भी नहीं देखते, तो इसलिए पीहू को भी उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और हम दिखाते भी नहीं है। एंड लुक एट द कंडीशन ऑफ माई हाउस गाइज, देखो कितने सारे कपड़े पड़े होंगे आपको। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यार, 2-3 दिन से ना बैंगलोर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं सूख रहा है। तो इसके वजह से मैंने घर पे ही अभी डाला है और पंखा वगैरह चला दूंगी तो थोड़े बहुत सूख जाएंगे। एक्चुअली इसका स्मेल भी ना, जब कपड़े आपको भीगे रहते तो अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है, तो वो भी आ रही है। तो इसकी वजह से मैंने अभी डिफ्यूज़र भी लगा के रखा था तो थोड़ी स्मेल थोड़ी कम हुई है। और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं प्लांट्स लेके आई थी ना तो उसको मैंने कैसे सजाया है। जो लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं कुछ बना रही थी, तो दिस इज़ द थिंग जो कि मैंने बनाया है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है, राइट। तो बहुत ही सुंदर सा ये पीस रेडी हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पर हैंग किया हुआ है। प्लांट्स है ये, देखो यहाँ मैंने लगा दिया है, ये देख सकते हो, ये जस्ट मग है, तो ये मैं मग लेके आई थी, बहुत ही कम, 20 या 40 रुपए का ये मग आता है, तो ऐसे में आप लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा। और ये वाला जो आप देख रहे हो लैडर टाइप का है, ये एक्चुअली हमारे घर पे पहले से था पड़ा हुआ, एक्चुअली हमारा नहीं है, ओनर का है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था तो मैंने इसको ऐसे यूज़ कर लिया। तो इस पर मैंने वाइट पेंट लगाया है, तो मेरे पास बहुत ही कम बचा हुआ था वाइट पेंट, तो इसलिए एक कोटिंग ही हुई है, एक्चुअली एक और कोटिंग होनी बाकी है। तो कभी जाऊँगी तो मैं पेंट ले आऊँगी तो कर दूँगी, वैसे अभी के लिए चलो काम चल रहा है, ठीक ही है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है, और ये आपको पता ही होगा, देखो पीहू को क्या कर रही है, सारे कपड़े मम्मा का गिरा दिया ना और उस पे जाके बैठ गई हो।
उसको ना ऊपर कपड़ा पसंद ही नहीं है, सारे कपड़े नीचे गिरा गिरा के रख देती है, तो सूखेंगे कैसे बेटा। तो मैं एनीवेज मैं दिखा रही थी ना, तो ये वाले प्लांट्स भी फेक प्लांट जो मैंने आपको दिखाया ही होगा पहले, तो ये लेके आई थी, ये मैंने ऐसे लगा दिया है। एंड नेक्स्ट मैंने ये जो डब्बा देख रहे हो आप, ये वाला बॉक्स, ये वैबो के लैपटॉप का बॉक्स है, तो इसके ऊपर मैंने कपड़ा रख दिया है। और यहाँ पे एक मनी प्लांट है, ये भी मैंने अमेजन से परचेज़ किया था। यहाँ पे बुद्धा है, यहाँ पे दो तीन बुक्स हैं, ये देखो इसको छूना है। और यहाँ पे मैंने अभी डिफ्यूज़र लगाया था, तो अभी फ़िलहाल बंद हो गया। पियो नहीं करो बेटा, तो ये जितना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है, लेकिन हाँ यहाँ पे कोई रहता है तो फिर आके चूती है, मुझे लग रहा था कि ये डिस्टर्ब करेगी प्लांट्स को। तो और यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, तो यहाँ ऐसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप शाम की चाय वगैरह पियो, बुक्स पढ़ो, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है। तेरे पियो को सुलाने के लिए एक्चुअली अभी सो जाएगी, 3:30 हो रहा है ना, तो सो जाएगी मे बी, तो लेट्स सी। मम्मा मैं नहीं सोने वाली हूँ अभी, नहीं सोने वाली हूँ मम्मा। अच्छा चलो सुना, अच्छा चलो सुला के मिलती हूँ फिर आपसे। उधर नहीं जाओ, नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ। पियो को सोना नहीं है, बस खेलना है ना। नहीं जाओ, नहीं जाओ, पियो नहीं जाओ उधर। पियो को पकड़ो, 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 पकड़ो। अरे पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। तो अभी बज रहा है 7:15 और मेरा राशन आ गया है, एंड आई एम सो हैप्पी। क्या दिन आ गया ना यार, कि अब राशन आता है तो हम लोग को बहुत खुशी होती है। पहले एक टाइम था कि जब आप कपड़े लेते थे, जब शॉपिंग करते थे, तब आपको खुशी मिलती थी, अब राशन आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बट उसके बाद साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, वो अलग ही टेंशन है। तो एनीवेज राशन आ गया है, अब मैं फ्री हो जाऊँगी कुछ दिन के लिए। तो और एक और अभी जस्ट मैसेज आया है थोड़ी देर पहले कि हमारे फ्लोर पे भी कोरोना हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि पीहू को थोड़ी देर मैं बाहर घुमाऊँगी। एक्चुअली बाहर घूम लेती है तो थोड़ा सा अच्छी, मतलब उसको भी फ्रेश लगता है। अभी तो बारिश हो रहा है इसलिए हम उसको पार्क नहीं ले जा रहे हैं, तो एक पार्क है हमारे घर के बगल में, तो बहुत ही खाली रहता है, कुछ ज़्यादा कोई लोग आते नहीं है वहाँ पे, तो वहीं पे लेके जाते थे। बट अब तो वो भी बंद हो गया बारिश के चक्कर में, अब यहाँ भी बाहर जाना बंद हो गया, अब बस घर में ही रहो बेटा, घर में ही रहो। और मैं सोची थी ना कि मैं आपको बता रही थी ना कि वहाँ पे आराम से बैठ के आप चाय पी सकते हो, मैं सोचा ही था कि वहाँ पे आराम से बैठ के तो यहाँ पे मैंने जो बनाया है कॉर्नर, तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि बैठ के आराम से बुक पढ़ूंगी, चाय पीऊँगी, वो तो बच्चों के साथ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हो अभी भी ये गोदी में ही है, मतलब 90% ऑफ द टाइम आप देखोगे कि ये मेरे गोदी पे ही रहती है, इसको बड़ा मज़ा आता है मम्मी के गोदी में। ओके गाइज, सो आई एम गोना फिनिश दिस व्लॉग हियर गाइज, सी यू गाइज सून। और कल का व्लॉग जरूर देखना, मतलब इसके नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा, बिकॉज दैट इज़ सुपर स्पेशल। और अगर व्लॉग में कुछ भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ अगर नए हो तो, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक करिएगा। एंड सी यू माई नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो, टिल देन बाय।